चलिए आज एक और अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, सत्यम बंसल, जो कि लखनऊ से हैं और इनका ऑल इंडिया 62 रैंक है और ऑल इंडिया 62 रैंक के साथ इनको एनआईटी सूरतकल अलॉट हुआ है। तो सत्यम, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी सूरतकल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है, क्योंकि सर आपके एफर्ट्स और मेरे पेरेंट्स की जितनी हेल्प हुई है सर, उसका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यम बंसल ने घर पर रह के पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए 62 रैंक लाना क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो सत्यम, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो आपकी सक्सेस जर्नी है वो स्टोरी जरूर बताएं, क्योंकि कई बार बच्चे जब नहीं निकल पाते तो उनको मन में होता है कि हम चले जाते तो अच्छा होता, पर सोचिए आपने घर पर रह के 62 रैंक अचीव किए, ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है, और इसके लिए क्या क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किए और किस ढंग से आपका टाइम टेबल था, क्या मैनेजमेंट था, मैं चाहूंगा ये जरूर आप अपने जूनियर्स को बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने निमसेट की प्रिपरेशन मार्च शुरू करी थी, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स थे। तो मैंने सर का यूट्यूब पर सेशन देखा था कि कैसे 2 महीने में प्रिपरेशन करी जाए, तो उन्होंने बताया था कि 1 हफ्ते अलजेब्रा करो, फिर 1 वीक ट्रिग्नोमेट्री, 2 वीक कैलकुलस, तो उस हिसाब से मैंने फॉलो करा था। और फिर अप्रैल में आके मैंने सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जब कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे अब और टाइम मिल गया है, तो मैं और जो मैंने पहले जो था बस ब्रशअप करा था, और अब मुझे अच्छे से डिटेल में जाने का मौका मिला, उससे मुझे बहुत एडवांटेज हुआ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी। और सर के जो टेस्ट थे लास्ट में वो भी बहुत अच्छे थे, और क्योंकि सर जेई के भी क्वेश्चंस करवाते थे, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। ऊपर से जो मेरा रूटीन था वो ऐसा था कि पहले मैं सुबह 5:30 के अराउंड उठता था, और ऑलमोस्ट 7 बजे तक तो मैं मॉर्निंग वॉक और ये सब योगा करने जाता था, फिर 8 बजे के अराउंड स्टडी शुरू करता था, और वो फिर पूरे डेली चलता था, मतलब पूरे टाइम तक। बीच में 2 बजे से टेस्ट हुआ करता था, और उस टेस्ट में 2 घंटे लग जाते थे ऑलमोस्ट, फिर उसका एनालिसिस करते थे, और फिर आखिरी के 1 मंथ में तो मैंने सिर्फ पेपर का एनालिसिस ही करा, जैसे पेपर दिया फिर उसके 1 घंटे बाद मतलब थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद पूरा एनालिसिस किया। और एनालिसिस ऐसे कि पहले एलजेब्रा अगर लिया तो पेपर में एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस कर डाले, और जैसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया तो वहीं पे हाल की हाल ही क्वाड्रेटिक का पूरे जितने सारे कंसेप्ट वो रिवाइज कर लिए, फिर पीएनसी और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का भी रिविजन, फिर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट का भी ऐसे रिविजन करता गया। और फिर आखिरी में बस यही था कि कॉन्फिडेंस मुझे पूरे टाइम था कि हाँ मेरा हो जाएगा, कभी डाउट नहीं था मुझे खुद पे कि ऐसा नहीं कि मेरा होगा नहीं कभी। और बस लास्ट में मैं प्रेशर कभी नहीं लिया कि नहीं भी होगा या नहीं होगा, मैं बस एफर्ट्स डालता रहा और लास्ट में रैंक आ गया। देखिए अभी आपने सत्यम से इसकी सक्सेस स्टोरी सुनी और कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली कि मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया, और यही एक चीज है, क्योंकि आप कभी भी देखें तो निमसेट का पेपर या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रेशर आप किस माइंडसेट से करते हैं इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कई बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनकी भी रैंक केवल इसलिए डाउन हुई क्योंकि उन्होंने एक अननेसेसरी प्रेशर लिया, और आपने वो नहीं लिया, उसका देखो आपको एडवांटेज मिला। तो आपकी सक्सेस स्टोरी काफी अच्छी थी, और मैं चाहूंगा कि अब आप एनआईटी सूरतकल जाने वाले हैं, ऐसे ही आगे बढ़े और अच्छा प्लेसमेंट भी लें, और साथ में अपने जूनियर्स को भी कोशिश करें कि मोटिवेट करें जो लोग मिसगाइडेड हैं। मैं क्योंकि इम्पीटस गुरुकुल फैमिली का एक हमेशा मैं मानता हूं रूल है कि मैं खुद भी और हर बच्चे को यही बोलता हूं कि हमें खुद तो बढ़ना ही है, पर हमें कोशिश करनी है 10 बच्चों को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।